नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूं थानोस का फोर्थ एंड फाइनल इशू। तो यार वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और साथ ही मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से भी ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर भी जुड़ सकते हो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यार पिछले इशू में आपने देखा कि थानोस पता करता है कि रॉबर्टा नाम की लड़की कोई और नहीं बल्कि मिस्टर डेथ है, इसलिए वो उसे वापस याद करवाने लगता है कि वो कौन है। लेकिन इसी बीच इल्लुमिनाटिस आ जाते हैं और तब डेथ को सब कुछ याद आ जाता है, इसलिए वो थानोस पे गुस्सा करती है और थानोस को मारने जाती है। तो अब आगे ऑल राइट गैंग, तो इशू की शुरुआत में हम डेथ को देखते हैं जो थानोस से कहती है कि तुम डेथ से प्यार करती हो ना, तो अब तुम डेथ के लिए मरोगी। ये कहते ही मिस्टर डेथ थानोस पे अटैक करती है, लेकिन तभी थानोस कहता है कि मिस्टर डेथ मेरी जान तुम अंधी हो चुकी हो, मैं हमेशा से तुम्हारा आदर करते आ रहा हूँ और करते रहूंगा, मैंने अपनी पूरी लाइफ तुम्हारे नाम कर दी है, पर अब मैं देख पा रहा हूँ कि तुम कहीं खो चुकी हो और तुम अब अनवर्दी हो चुकी हो, इसलिए मेरी जान तुम्हें खत्म होना होगा। ये कहते थानोस मिस्टर डेथ पे अटैक करता है, लेकिन तभी मिस्टर डेथ थानोस के अटैक का जवाब देती है। तभी हमें मिस्टर डेथ की आवाज सुनाई देती है जो कहती है कि काश मैं ये जान पाती कि ये दुनिया कैसे खत्म होने वाली है, काश मैं ये जानती कि मैं कैसे खत्म होने वाली हूँ, काश ये मैं जानती कि सारे लोग कैसे खत्म होने वाले है। यहाँ पे कुछ ऐसे लोग है जिन्हें लगता है कि वे लोग होने को रोक सकते है और ये अच्छी बात है, पर मैं सिर्फ इसके लिए जानना चाहती हूँ क्योंकि फाइनली मैं अंत का वेट कर सकूँ। तभी मिस्टर फैंटास्टिक कहता है कि मुझे लगा नहीं था कि दुनिया का अंत कुछ इस तरह होगा, जिस पर ब्लू मार्वल मिस्टर फैंटास्टिक से कहता है कि हम थानोस के हाथों डेथ को खत्म नहीं होने देंगे, जिस पर मिस्टर फैंटास्टिक ब्लू मार्वल से कहता है कि मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा, जिस पर आयरन मैन कहता है कि आज मिस्टर डेथ खत्म होगी या नहीं पता नहीं, लेकिन ये जगह तो खत्म होने वाली है। या एमा फ्रॉस्ट डॉक्टर स्ट्रेन से कहती है कि हमें किसी भी हाल में मिस्टर डेथ को जिताना होगा और इसके लिए थानोस को मरना होगा, जिस पर स्ट्रेंज एमा से कहता है कि ये सबसे घटिया बात है क्योंकि पिछली बार जब थानोस मर गया था तब उसकी एनर्जी डेथ से जुड़ गई थी जिसके कारण कुछ अजीब सा बन गया था। तभी आयरन मैन स्ट्रेंज से पूछता है कि तुम क्या कह रहे हो, जिस पर एमा फ्रॉस्ट आयरन मैन से कहती है कि स्ट्रेंज कह रहा है कि हमें थानोस को प्रोटेक्ट करना होगा, जिस पर स्ट्रेंज कहता है कि हाँ हमें यही करना होगा नहीं तो यहाँ पर एक नई एंटिटी का जन्म होगा। यह सुनते ही ब्लू मार्वल कहता है कि अगर ऐसा है तो मेरे पास एक सॉल्यूशन है। यह कहते ही ब्लू मार्वल मिस्टर डेथ पर अटैक करता है, लेकिन तभी मिस्टर डेथ ब्लू मार्वल के अटैक को डॉच करके ब्लू मार्वल पर ही अटैक करती है और ब्लू मार्वल से कहती है कि तुम मेरे मालिक नहीं हो। अब मिस्टर डेथ के अटैक से ब्लू मार्वल पूरी तरह कमजोर पड़ चुका था। तभी एमा ब्लू मार्वल के पास आती है और टोनी से कहती है, टोनी एडम का माइंड अंधेरे में खो गया है, मैं उसे ढूंढ नहीं पा रही हूँ। यह सुनते स्टेज अपनी मैजिक चालू करता है और कहता है कि हमें इन दोनों को यहाँ से दूर ले जाना होगा, मैं इनमें से एक को कहीं पर दूर भेज देता हूँ ताकि हम लोग इस लड़ाई को खत्म कैसे करें ये फिगर आउट कर सके, जिस पर मिस्टर फैंटास्टिक स्टेज से कहता है कि नहीं ऐसा मत करो, ये ऐसे बींग्स है जो स्पेस और टाइम में ट्रेवल कर सकते है और अगर हमने उन्हें कहीं पर भी रख दिया तो वे लोग एक दूसरे को ढूंढ लेंगे और फिर से तबाही होगी। या थानोस और डेथ लड़ने में बिजी थे या स्टेज रीड से पूछता है कि हम क्या करें, जिस पर रेड कहता है पता नहीं, जिस पर डॉक्टर स्ट्रेंज कहता है कि हमें मदद के लिए किसी को बुलाना चाहिए, जिस पर रेड कहता है कि मान लो हमने अगर किसी को मदद के लिए बुलाया भी तो भी क्या वो समय पे आ जाएंगे और वैसे भी हम इल्यूमिनाटिस हैं। या डेथ थानोस का गला पकड़ के उसे ऊपर उठाती है, लेकिन तभी स्ट्रेंज डेथ को रोकने के लिए आता है, लेकिन तभी डेथ स्ट्रेंज को बीच में ही रोकती है और कहती है कि मेरे मामले में अपनी टांग मत अड़ाओ वरना मैं तुम्हारी सोल हमेशा के लिए छीन लूंगी। ये कहते स्ट्रेंज को अपना पास्ट नजर आने लगता है या स्ट्रेंज तो कमजोर पड़ गया था, लेकिन तभी मिस्टर फैंटास्टिक बीच में आता है और थानोस को वहां से दूर करता है, लेकिन तभी थानोस को गुस्सा आता है और वो रीड को जोरदार लाफा मारता है, लेकिन तभी डेथ फिर से थानोस पे अटैक करती है और इस बार वो थानोस को मारने वाली ही थी कि तभी हल्क पीछे से आता है और डेथ के पीठ में अपने दोनों हाथ घुसाता है और कहता है थानोस को छोड़ दो, लेकिन तभी हल्क देखता है कि डेथ को इससे कुछ भी नहीं हुआ था और तब मिस्टर डेथ हल्क के सर पर हाथ रखती है
और उसे उसका पास्ट याद दिलाती है, जिसके कारण हल्क चिल्लाने लगता है और उसके बाद हल्क कमजोर हो जाता है। तभी यह देखकर आयरन मैन एमा फ्रॉस्ट से कहता है कि इसने तो हल्क को कमजोर कर दिया, जिस पर एमा कहती है कि हाँ मैंने देखा और अब आगे जो कुछ भी करना है वो हमें ही करना होगा। जिस पर टोनी कहता है कि हम भी इसके सामने खड़े नहीं रह पाएंगे, जिस पर एमा कहती है कि हाँ मैं जानती हूँ लेकिन ट्राई करके देखेंगे। ये कहते टोनी मिस्टर डेथ और थानोस की लड़ाई में घुस जाता है और उन्हें शांत करने लगता है, लेकिन मिस्टर डेथ आयरन मैन को उठाकर दूर फेंक देती है। लेकिन तभी पीछे से एमा आती है और डेथ के दिमाग में घुस जाती है और कहती है कि बताओ मिस्टर डेथ, ऐसा क्या है जो तुम्हें परेशान करता है। जिस पर मिस्टर डेथ एमा से कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे दिमाग में घुसने की। यह कहते मिस्टर डेथ एमा पर अपने सारे मॉन्स्टर्स छोड़ देती है और कहती है कि देखो मेरे दिमाग में क्या है। ये सब कुछ देखकर एमा वहीं पर गिर जाती है। यहाँ थानोस मिस्टर डेथ से कहता है कि तुम मुझे हरा नहीं सकती हो। यह कहते थानोस वहां से जाने लगता है, लेकिन कमजोर होने के कारण थानोस वहीं पर गिर जाता है। तभी थानोस मिस्टर डेथ से कहता है कि मैं तुम्हें बुलाता हूँ मिस्टर डेथ, जैसे मैंने तुम्हें वॉइड ऑफ स्पेस में बुलाया था, एक ऐसा वॉइड जो कोई और नहीं बल्कि ब्लैक होल जैसा है, जहाँ तुम्हारी पावर्स किसी काम की नहीं है। यह कहते मिस्टर डेथ समझ जाती है कि थानोस ने क्या किया है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर सके मिस्टर डेथ वहां से गायब हो जाती है। तभी मिस्टर डेथ देखती है कि वो अलग ही जगह पर आ चुकी थी। तभी मिस्टर डेथ कहती है कि मैं कहां पर हूँ, जिस पर थानोस कहता है कि हम दोनों मिलकर बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन तुमने मेरी जगह उन कीड़ों का साथ देना चाहा, तुमने ऐसा करके मेरा दिल तोड़ दिया है, इसलिए मैंने कुछ नई चीज बनाई है, ऐसी चीज जो तुम्हारे लिए जेल बन जाएगी। ये सुनते ही मिस्टर डेथ थानोस से कहती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, क्योंकि तुम जानते हो कि ऐसा करना ऑर्डर ऑफ कॉस्मोस के अगेंस्ट है, और तुमने ऐसा किया तो तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। जिस पर थानोस मिस्टर डेथ से कहता है कि सजा मुझे नहीं बल्कि तुम्हें मिलेगी, क्योंकि तुमने रूल्स तोड़े हैं, मैंने नहीं। तुम या तो मेरे साथ संधि कर लो या फिर यही सड़ते रहना इस छोटे से स्टोन में। यह कहते ही हम देखते हैं कि थानोस ने मिस्टर डेथ को ब्लैक स्टोन में कैद कर दिया था। यह ब्लैक स्टोन वही स्टोन है जिसके बारे में थॉर को सपना आ रहा था कि थानोस इसके जरिए थॉर को मारने वाला है। यह थानोस मिस्टर डेथ को कैद करके वहां से जाने लगता है, लेकिन तभी सारे हीरोज फिर से जाग जाते हैं। तभी एमा थानोस से कहती है कि तुम मिस्टर डेथ को ऐसे कैद नहीं कर सकते हो, जिस पर थानोस एमा से कहता है कि तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जैसे लोग मरते थे वैसे मरेंगे। जिस पर स्ट्रेंज थानोस से कहता है कि तुम इस स्टोन के साथ क्या करने वाले हो, जिस पर थानोस स्ट्रेंज से कहता है कि वो अब इसी स्टोन में रहेगी। जिस पर मिस्टर फैंटास्टिक थानोस से पूछता है कि तुमने ये स्टोन कैसे बनाया, जिस पर थानोस रेड से कहता है शांत हो जाओ रिचर्ड्स, मैं इसे कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं स्टोन को नष्ट करने का रास्ता ढूंढ लूंगा ताकि डेथ फिर से पहले जैसी हो जाए, नहीं तो। जिस पर रीड थानोस से पूछता है कि नहीं तो क्या, लेकिन तब तक थानोस वहां से चला जाता है। तभी रीड सबसे कहता है कि मिस्टर डेथ ने वादा किया था कि वो लाइफ के बदले हमें हमारी दुनिया कैसे खत्म होगी ये बताएगी, लेकिन थानोस बीच में आ गया, तो इसका मतलब एक ही हो सकता है कि अंत चाहे जो कुछ भी हो थानोस का हाथ उसमें जरूर होगा। यह कहते हम थानोस को देखते है जो कहीं पर बैठा हुआ था और वो उस स्टोन को देखने लगता है, और यही पर यह सीरीज खत्म होती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह सीरीज पसंद आई होगी। तो मैं मिलता हूँ आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।